भंडार कित कर दाई। हाँ एती ही भंडार एती लैसे घूम के लोग जा सकथन, हमार मर्जी एतिल घूम के जाबो। भंडार गांव में एक जन बबर रीस का ध्यान से सुनना, विश्व रिकॉर्ड बना रही सो अपन मेछम तीन तीन ठोक हार्वेस्टर तिर रही सो। कौन से सन की बात है? 1965 की बात है। ओदाई हांसा थे लगते बहु रीसो टाइम में, तब तो हांसा थे गा। 1965 में अपन मेछम तीन तीन ठोक हार्वेस्टर तिर रही से हमला कही था, तो साइकिल नहीं तिर सकन। भाई शरीर देख के बात करो करो भाई, और लेख देख बाबा गाड़ी मत देवे। रही रही के मोर मेछा के बारे में बात करा थे कहीं के, तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी, तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी। वो जवान ये दुनिया में नहीं है, तेही सेती हम और आप ये दुनिया में आजाद घुमथन। वो जवान के नाम रही शहीद चंद्रशेखर आजाद। उकर फोटो मूंछ लताओं देते हुए दिखी दाई वीर भगत सिंह, मूंछला ताव देते हुए फोटो मिल ही स्कूल मा दफ्तर मा सांसद भवन मा थाना मा, मूंछला ताव देते हुए वीर भगत सिंह। मूंछ के ताव तो हमार बड़े बड़े ऑफिसर देते सिपाही देते, मूंछला ताव देना ये हमार वीरता के सूचक कायदाई। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चुम रहा था। भगत सिंह फांसी का फंदा चुम रहा था। भगत सिंह ने कहा था कि माँ माँ मैं इतना गरीब हूँ, माँ माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है, और आज मैं अपने प्राणों की आहुति विश्व वंदनीय भारत माँ को अर्पण करता हूँ, विश्व वंदनीय भारत माँ को अर्पण करता हूँ। भगत सिंह ने कहा था माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ, माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ, माँ रोना नहीं अगले जन्म में मैं फिर लौट कर आऊंगा। देश के लिए मिटकर जा रहा हूं मां, रोना नहीं अगले जन्म में लौट कर फिर आऊंगा। मां ने कहा बेटा तुम आओगे पहचानूंगी कैसे लाल, तुम आओगे बेटा मैं पहचानूंगी कैसे। फिर भगत सिंह ने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मां जो इस भैंसा गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, माँ जो इस समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, जो छत्तीसगढ़ और हमारे भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, समझ लेना माँ मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ। देश के लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो क्या बात कही, उन्होंने कहा हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा उसे केवल एक जय घोष सुनाई देगी, क्या केवल और केवल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है, छाती ठोक कर कहता हूँ ये भारत मेरी